जिस तरह आपके ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागर को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्यदेव को फूंक मार बुझा नहीं सकता, उस तरह गुजरात में बीजेपी और नरेंद्र भाई की ताकत को कोई तबाह नहीं सकता। हर समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, हर समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, हर समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ मोदी जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया। इतिहास बनेगा, नाम बनाया, नाम को बरकरार रखा, कोयल कूक से, पेड़ फल से, खेत उपज से, और इंसान अपने कर्म से जाना जाना चाहिए। आकाश की कोई सीमा नहीं, सुन ले कांग्रेस वाले, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और नरेंद्र भाई मोदी का कोई तोल नहीं, कोई जोल नहीं। पारस जिसे छू लेता है, पारस जिसे छू लेता है उसमें गौरव का संचार कर देता है। चीज धूमिल हो, मैली हो, उसे उज्जवल कर देता है। जिसका कोई मोल ही ना हो उसे अनमोल कर देता है। मित्रों, कंगाल पड़ा था गुजरात 10 साल पहले, बेहाल पड़ा था गुजरात 10 साल पहले, ना बिजली थी न पानी था, और ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर्जे के नीचे दबी हुई थी, बिल्कुल दबी हुई थी। लेकिन आज वही कंगाल बेहाल आज खुशहाल और माला माल। ठोको ताली, ठोको ताली। प्रगति जीवन की निशानी है, और प्रगति का प्रगति की निशानी है विस्तार। वो कॉरपोरेशन जो 3000 करोड़ में दबी पड़ी थी कर्जे में, आज उसका एक साल का बजट 8000 करोड़ रुपया है भैया, 8000 करोड़। क्या इससे आंखें नहीं खुलती कांग्रेस वालों की? अरे कांग्रेस तो मुन्नी से ज्यादा बदनाम है। बदनाम है और शीला से ज्यादा नीलाम है। सही है, और तो और आगे आगे मनमोहन सिंह, पीछे चोरों की बारात। और यहां पे, यहां गुजरात में एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी और दूसरी तरफ बगैर दूल्हे के बारात है, लीडर ही नहीं है, किसको सामने खड़ा करना पता ही कुछ नहीं, ना दूल्हा ना बारात और ना बहू। बारात तुतरू 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 कर रही है, बहू पीपल तले सो रही है। ठोको ठोको ताली ठोको। कहां गंगू पे हुई? और जो मैं बात कर रहा हूं विकास की, ये मुद्दा ही विकास है। गंगा का पानी भी अगर कल कल करता हुआ किसी गड्ढे में पड़ जाए उछल के, तो 10 दिनों बाद उसमें कीड़े पड़ जाए, उसमें से बदबू आने लगेगी, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी। अरे जब जोश ही नहीं लल्ला, किस काम की है जवानी। ठोको ठोको ताली ठोको।
याद करके देखो सड़कों का क्या हाल था, गुजरात की सड़कों का क्या हाल था, ये नहीं पता लगता था सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क। और वो नई लुगाई को बिठा के मोटरसाइकिल पर लेके जाता था तो पीछे ही देखता रहता था, रह गई कि ढह गई, सही है कि नहीं है। और आज देखो ये सड़कों का जाल लिसकती हुई एकदम मलाई जैसी सड़क, ठोको ताली। ये किसने किया? राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपया अगर सरकार गरीब के पास भेजती है तो 10 रुपया पहुंचता है। दोनों कहते थे कि नहीं कहते थे? तो फिर काहे के प्रधानमंत्री हो, कद्दू घुइया प्रधानमंत्री हो। नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं 100 रुपया मेरे पास भेजो, मैं गरीब तक 110 रुपये पहुंचाऊंगा। बोलो कहते थे ऐसा होना चाहिए मुख्यमंत्री, ऐसा जो तब्दील कर दे, तस्वीर बदल दे, मालामाल कर दे, गौरवशाली कर दे। इसीलिए कहता हूं मित्रों, यह गुजरात के मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का चुनाव है। यह हिंदुस्तान के भविष्य का चुनाव है। टिकी है निगाहें कि गुजरात के इलेक्शन की ये राह है, बनेगी हिंदुस्तान की भुजाएं, सशस्त्र भुजाएं। यही मैं चाहता हूं कि तुम इस इलेक्शन की अहमियत को समझो मित्रों। एक तरफ सरदार मनमोहन सिंह, मुझे तो शक होता है सरदार है भी कि नहीं, जानते हो कि नहीं। और सरदार क्या होता है? करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, खार होता है कांटा। करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, झुका देती जो गर्दन को उसे हम हार कहते हैं, लगा के जान की बाजी। करे जो देश की रक्षा, रखे जो तार पे सर को उसे सरदार। कहां रखा तार पे सर? सारा देश लूट के खा गए 65 साल में, सबसे भ्रष्ट सरकार का ईमानदार राजा सरदार मनमोहन सिंह। 2G स्कैम, 2 लाख करोड़ के घोटाले, आदर्श सोसाइटी स्कैम, दाएं स्कैम, बाएं स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। लोग कहते हैं सरकार गिरेगी, मैं पार्लियामेंट में जाता हूं सरकार गिरेगी। अरे यार सरकार गिरेगी, मैं कहता हूं और कितनी गिरेगी भैया, कितनी गिरेगी, ठोको ताली। और कितनी गिरेगी सरकार? हाँ, कांग्रेस की मंडी बड़ी नशीली है, इस मंडी में सबने मदिरा पी ली है, कमरबंद पुख्ता है सिर्फ दलालों के, आम आदमी की धोती तो यारों ढीली है। सही बात बोल रहा हूं, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, झूठ बोले कौआ काटे मनमोहन सिंह जी। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, मुर्गी 75 रुपए किलो, दाल 100 रुपए किलो, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ कर लो बात। हाँ, 24 गुना पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, सारे विश्व में पेट्रोल सबसे सस्ता, हिंदुस्तान में सबसे महंगा। सरकार भंवरे की तरह होनी चाहिए, जो फूल का रस भी ले ले, फूल भी खुशहाल, भंवरा भी खुशहाल, ऐसे कर्जा लेना चाहिए सरकार को। ये तो खून चूसने वाली जोक बन गए। 100 रुपए का सिलेंडर वाजपेयी साहब के टाइम पे 100 रुपए इसका सिलेंडर, आज 900 रुपए का हो गया। ये टेलीफोन ये किसने दिए थे? याद करके देखो, वाजपेयी साहब के कार्यकाल से पहले एमपी फोन करता था, एमपी चिट्ठी लिखता था, फिर तुमको एक नंबर अलॉट होता था, फिर तुम बोलते थे नंबर प्लीज, वो बोलता था हाँ जी कौन सा नंबर। और अब ये नौजवान छोरे 500 रुपए का फोन उठाते, कान पे लगाते, हेलो हेलो डार्लिंग आई लव यू,
ठोको ठोको ताली ठोको। ये कौन लेके आया? ये वाजपेयी साहब लेके आए। 5 साल वाजपेयी साहब के, 10 साल नरेंद्र भाई मोदी के। तराजू में तोड़ो और उनके साथ तोड़ो कांग्रेस के 60 साल, कांग्रेस के 60 साल और नरेंद्र भाई के 10 साल, वाजपेयी साहब के 5 साल। ये तराजू में तोड़ो, वजन करो, दिल की गहराइयों से आवाज निकलेगी। चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूर्ख की सारी रात, चतुर की एक खड़ी चतुर। उसे दोबारा नहीं देखा, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, कांग्रेस का सोपड़ा साफ है कि नहीं? डब्बा गोल है कि नहीं? क्यों? क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जैसे लीडर, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना चाहती है और कांग्रेस वाले हिंदुस्तान को सोनिया की चिड़िया बनाना चाहती है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जंगों में कभी 7 से ऊपर नहीं हुई। जंगों में पाकिस्तान के साथ जंग हुई, चीन के साथ जंग हुई, बड़े बड़े अर्थशास्त्री 7 के ऊपर कभी मुद्रास्फीति नहीं गई, इन्फ्लेशन नहीं गई, लेकिन आज 20 के ऊपर इन्फ्लेशन पहुंच गई। अगर 100 रुपए से 900 रुपए गैस का सिलेंडर हो गया सरदार मनमोहन सिंह, तो बताओ कि गरीब की दिहाड़ी 70 रुपए से 700 क्यों नहीं हुई? बताओ उस बात का। एक आम आदमी की तनख्वाह 7,000 से 70,000 क्यों नहीं हुई? अमीरों की सरकार बन गई तुम्हारी। अरे अमीरों के आगे हिंदुस्तान को गिरवी रख दिया तुमने। 5 लाख करोड़ रुपया, 5 लाख करोड़ रुपया तुम हिंदुस्तान के 25 अमीरों को दे देते हो। रेवेन्यूज फोरगोन में हिंदुस्तान के बजट का 70 से 80% हिस्सा, रेवेन्यूज फोरगोन, रेवेन्यू की छूट तुम उन अमीरों को दे देते हो और देश के 99% गरीब लोग उनको क्या देते हो? 1 लाख करोड़ रुपया, और वो भी नगाड़ा पीट पीट के दुनिया को बताते हो, सुगड़ी में घुमड़ी करते हो अंदर से ही। और फिर जब लूट लूट के कांग्रेस वाले खा रहे हैं तो तुम बोलते कुछ नहीं। मेरी खामोशी ही सदियों का इंतकाम लेगी। ओ बापू गांधी एक बार स्वर्ग में कहने लगे चित्रगुप्त से के चित्रगुप्त, ओ चित्रगुप्त, तो बोला हाँ जी, हाँ जी महात्मा जी। मैंने कहा यार वो 3 बंदर में छोड़ के आया था हिंदुस्तान में, वो मेरे 3 बंदर कहां गए? वो जो कान में उंगली लगा के बैठा था, बिग बॉस में भी आया था, वो कहां है? ठोको ठोको ताली ठोको। हाँ तो कहां गए 3 बंदर? वो जो कान में उंगली बना के बैठा था वो किधर है? चित्रगुप्त बोला सर वो हिंदुस्तान की सरकार बन गई गुंगी मेरी। ठीक है यार, और वो जो आंख में पट्टी बांध के बैठा था बंदर, वो कहां गया? वो हिंदुस्तान का कानून बन गया। अच्छा, अरे भैया तीसरा किधर गया? वो वाला तीसरा किधर गया? बोले सर वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। अरे क्या देश लूट रहा है, चीन हरण हो रहा है, हिंदुस्तान के पैसे यहां से ले जाके स्विस बैंकों में जमा हो रहे हैं और तुम खामोश हो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तुम ये समझ लेना, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जिस राज्य में, जिस संस्था में अच्छा काम करने वाले को, अच्छा काम करने वाले को हौसला अफजाई नहीं मिली और बुरा काम करने वाले को दंडित न किया जाए, उसका तबाह होना निश्चित है। इसलिए प्रण करना होगा तुमको इलेक्शन लड़ने वालों से, मेरी विनती है कहो प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तुम में कर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। मेरा
गणित का प्रोफेसर मुझे कहता है, वो कहता है सिद्धू साहब जमा घटा गुणा भाग ये ठीक कर दो, शेष खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं पलट के उसको कहता हूं कि नरेंद्र भाई को कह दो दिल्ली ठीक कर दो, देश खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये दिल्ली दूर नहीं है, ये दिल्ली से देश की राजनीति बदलनी होगी। इन लोगों ने 7 साल जोक बनके देश का खून चूसा है, 7 साल। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले कहा था देश को शिक्षित कर दूंगा, देश को आत्मनिर्भर कर दूंगा, फिर इंदिरा जी आई उन्होंने कहा गरीबी हटाओ देश बचाओ, और अब सोनिया जी आ गई। क्या हुआ? वादा खिलाफी हुई, देश की बर्बादी हुई। इसलिए ये देश शहीद आजम भगत सिंह का जो कहा करता था पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालोए बैरिया ने आज तेरा लुट लिया माल, लुट गया वो। इसलिए संभालना होगा मेरे मित्रों, संभालना होगा। और कोई रसिक वैरागी दिल्ली में जमाना होगा, ये इलेक्शन नहीं नरेंद्र भाई का अंगद का पैर है जो गुजरात में जमने वाला है, और इस अंगद के पैर को उठा के दिल्ली में तुम जमा देना। बोलो जमाओगे कि नहीं जमाओगे? बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। अरे जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, हिंदुस्तान का प्यार नहीं। 1 लाख करोड़ नौकरी मनमोहन सिंह जी कहते थे, झूठ बोले कौआ काटे। 1 लाख करोड़ नौकरी हिंदुस्तान में देंगे, 72% नौकरी अगर मिली है तो गुजरात में मिली है। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं? शिक्षा के माध्यम से 1500 रुपए फीस है, महाराष्ट्र में 41,000 है, कर्नाटक में 30,000 है। देखो ये शिक्षा भी तुम्हारे चौपड़ तक पहुंचा दी, जहां पीने का पानी नहीं था वहां खेतों में पानी पहुंचा दिया, वो भी नर्मदा माई का पानी पहुंचा दिया। बोलो पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? और फिर किस बात का सवाल करते हो इस कांग्रेस पार्टी से? इस कांग्रेस पार्टी की कोई तुलना नहीं है नरेंद्र भाई मोदी से। वो मेरे जैसे एक जाट की बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आ गया, अंग्रेज का कुत्ता आ गया, वकील करना पड़ गया। वकील ने कहा 100 रुपए लूंगा तो बचाऊंगा, नहीं तो अंदर ठोक देंगे। तो बोला 100 रुपया मैं देने को तैयार हूं, मुझे बचा लो यार, अंग्रेज का कुत्ता आ गया मेरी बैलगाड़ी के नीचे। तो उसने कहा क्या जुगाड़ लड़ाएगा? बोला 100 रुपए देगा वकील? बोला हाँ 100 रुपए दूंगा। बोला तू पागल बन जाना, पागल बन जाना, हुर्र कर देना, हुश कर देना, ट्री कर देना, प्री मानना ही मान, पागल बन के खड़ा हो जाना जज के सामने। बोला ठीक। जज सामने आया, जज ने कहा बोल भाई तेरी बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आया, तेरा हुर्र, तेरा बेवकूफ आदमी जज के सामने खड़ा है, क्या बकवास कर रहा है? तू जानता है न्यायपालिका की महिमा? बोल इकबाल जुर्म करता है तेरी बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आया। बोला हुर्र। बोला बाहर निकालो, यहां खड़ा होने के काबिल नहीं, इसको बाहर फेंको। बाहर फेंका तो वकील भागा भागा आया। बोला क्यों, जुगाड़ कैसा था, बरी हो गया कि नहीं? बोला हुर्र। अरे मेरी फीस तो दे दे, करा हुर्र, तेरे साथ ये करेगा? बोला हुर्र। के मनमोहन सिंह को पूछो भैया तू कहता था महंगाई दूर करेगा, गरीब का निवाला खींच लिया, ये कहता है के 1 लाख करोड़ नौकरी देगा, बोलता हुर्र। अब जब कांग्रेस वाले तुम्हारे पास आए, तुम्हारी चौखट पे वोट मांग रहे, तुम क्या बोलोगे? ठोको ताली ठोको, ठोको ताली ठोको, ठोको ठोको ठोको। मेरे भैया शहीद आजम भगत सिंह ने ये वोट डालने का अधिकार दिया है तुम्हें। शहीद आजम भगत सिंह ने ये ना समझना ये स्वाधीनता तुम्हें यूं ही मिली है, हर कली इस बात की खून पी के ही खिली है। बिछ गए वो नींव में, दीवारों के नीचे खड़े हैं ये महल अपने शहीदों की चिताओं पर खड़े हैं, अपने शहीदों की चिताओं पर। इसलिए ये वोट देने का अधिकार तुम्हें भगत सिंह ने दिया है, इसे 100 रुपए में 500 रुपए की बोतल में बेच मत देना, अपना जमीर अपना इखलाक बेच मत देना। कुलीन तंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा होता था, टेढ़ा अंधा
धृतराष्ट्र जैसा भी हो, रानी के पेट से पैदा हुआ राजा, फिर राजतंत्र आया, अश्वमेध यज्ञ होता था, घोड़ा दौड़ता था, जिसकी बड़ी सेना वही राजा। लेकिन ये लोकतंत्र है मित्रों, यहां मत पेटी के गर्भ से पैदा होता है राजा, मत पेटी के हमारे खलक नगाड़ा है खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है, और वो परमात्मा की आवाज ये कह रही है, गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, पंख लगे विकास को, जिसने स्वर्ग न देखा हो वो देखे आके गुजरात को। इसलिए उस विकास के लिए, कांग्रेस के विनाश के लिए नहीं, उस विकास के लिए सोच समझ के वोट से चोट करना, ये लड़ाई बुलेट की नहीं है मेरे भाई, ये लड़ाई बैलेट की है, बैलेट की, बैलेट से लड़ाई लड़ना। और शहीद आजम भगत सिंह कहा करता था, शहीद आजम भगत सिंह कहा करता था, गूंगे बहरे कानों तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है। कुंभकर्ण को, दिल्ली में सो रहे कुंभकर्ण को अगर नींद से जगाना हो तो धमाका जरूरी है। अफसरशाही को मिटाना हो तो नरेंद्र भाई जैसा धमाका जरूरी है। और अगर जो सेंट्रल की सरकारें जिनको तुनका मारते हैं, देखा ना जैसे पतंग उड़ती है तो तुनका मारते हैं इसे ऐसे करके, वो बड़े बड़े उद्योगपति, अगर उद्योगपतियों को लगाम डालना है तो नरेंद्र भाई जैसा आदमी जरूरी है। अरे कांग्रेस, कांग्रेस तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल इनके चेहरे पे थी और आईने साफ करती रही। ठोको ठोको ताली ठोको। इसलिए ये तुमको न्याय करना है, तुमको इंसाफ करना है, हिंदुस्तान का भविष्य बनाना है, अफसरशाही मिटानी है, करप्शन मिटानी है, हिंदुस्तान में अंगद का पैर जमाना है, राम राज्य की स्थापना करनी है। तो कोई ऐसा आदमी चाहिए जो रसिक वैरागी हो, जो इंद्रियों से पूरी तरह जय कर लिया हो जिसने, जो लालच से परे हो, जिसको देश अपनी पगड़ी के समान हो, जिसमें स्वाभिमान हो। और वो एक ही आदमी है श्रेष्ठों में सर्वश्रेष्ठ, वाजपेयी साहब के बाद। अगर इस देश में इलेक्शन किसी नेता के नाम पे हो सकता है तो वो नरेंद्र भाई मोदी है। जन जन की आवाज है, किसी पान भाई से पूछो वो कहेगा नरेंद्र भाई मोदी, किसी चाय वाले से पूछो वो कहेगा, किसी पार्लियामेंट वाले से पूछो वो कहेगा, हिंदुस्तान की आवाज है, जन जन की आवाज है, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ उठी आवाज है कि है अंधेरा बहुत, है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए, उनका निकलना चाहिए। इसलिए दोनों हाथ खड़े करके दिल्ली की उस सरकार के लिए धमाका तैयार करो, दोनों हाथ खड़े करो, मैं भारत माता का जय घोष करूंगा। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि दिल्ली में सरकार हिल जाए। जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म सहना उससे बड़ा पाप है। बोलो भारत माता की जय। मार दिया छक्का भैया, कमाल कर दिया। और फिर से बोलो, बोलो भारत माता की जय। अच्छा आ गए गुरु, कमाल कर दिया यार, कमाल कर दिया। अरे जीत गई बीजेपी, अहमदाबाद में लग गया छक्का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बात खत्म, खेल खत्म, खटाक ठोक।